गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल सी रैंप टाइप एडीसी। इट इज आल्सो नोन एज काउंटर टाइप एडीसी बिकॉज वी आर यूजिंग हेयर ए 4-bit अप काउंटर। इट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ रैंप टाइप ADC. Here we can say there is a comparator AND gate, control unit, storing latch, and digital to analog converting device. Now we will see the working of काउंटर टाइप ऑफ एडीसी। तो इसकी वर्किंग देखने के लिए सपोज़ हमें कोई भी वोल्टेज मेजर करना है, मान लीजिए हमें 5 वोल्ट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर एक 4-bit अप काउंटर है। इनिशियली जो 00 होगा, हमने 4-bit लिया है तो 4-bit, फिर यहाँ से हम एक क्लॉक पल्स अप्लाई कर रहे हैं जिसका क्लॉक पीरियड को हम टी क्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनिशियली जब ये 00 होगा तो इसको ये एनालॉग में कन्वर्ट करेगा तो हमें यहाँ पे 0 वोल्ट मिलेगा। तो ये जो कंपैरेटर है ये इन दोनों को कंपेयर करेगा। अब चूंकि 5 वोल्ट ग्रेटर देन 0 है इसलिए काउंटिंग और बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट क्लॉक में 001, फिर ये इसे 1 में कन्वर्ट करेगा, फिर 5 1 से कंपेयर होगा तो 5 फिर से ग्रेटर देन 1 है तो ये काउंटिंग हो जाएगी 0010। इस तरीके से ये काउंटिंग 0 होगी फिर ये कंपेयर होगी 5 से, फिर 1 होगी कंपेयर होगी 5 से, फिर 2 होगी कंपेयर होगी 5 से, ऐसे कर कर के हम जब ये काउंटिंग 5 पे पहुंचेगी, जब ये काउंटिंग 0 0 1 0 1 पे पहुंचेगी, इसका मतलब यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो उस समय ये कंट्रोल यूनिट इस काउंटिंग को स्टॉप कर देगा और डिस्प्ले में हमें 5 वोल्ट दिख जाएगा जो कि इनपुट वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये इसका सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे हमें 5 वोल्ट मेज़र करना है या जो भी वोल्ट मेजर करना है तो हर एक क्लॉक पल्स पे काउंटिंग होगी, जैसे 1 2 3 4 5, जैसे ही हम 5 पे पहुँचेंगे जो हमारा काउंटर होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसमें इसका ड्रॉबैक ये है कि जैसे हमें 5 वोल्ट मेज़र करना है तो एक बार ये 5 वोल्ट मेज़र करेगा फिर से 0 हो जाएगा, फिर सेकेंड टाइम फिर से काउंटिंग होगी, तो जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको इसको मेज़र करने में पूरी काउंटिंग फिर से शुरू से करनी पड़ेगी। तो ये प्रॉब्लम क्यों है इसको समझने के लिए हम एक ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास ये इनपुट वोल्टेज हैं, हम इनके सैंपल कलेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये कंपेयर करते करते इसके पास तक पहुँचेगा। अब इसको जैसे ही इसको डिटेक्ट करेगा वैसे फिर से 0 हो जाएगा, फिर से इसे काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़े टाइम में, इतने बड़े टाइम में ये सिर्फ 2 सैंपल ले पा रहा है, 2 सैंपल ले पा रहा है, तो यहाँ पर 2 सैंपल ले पा रहा है तो ये इसका ड्रॉबैक हुआ। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको
कितने क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, तो जो भी आपको वैल्यू मेज़र करनी है, जैसे अभी हम 5 मेज़र कर रहे थे, 5 वोल्ट को मेज़र कर रहे थे, तो 0 0 से लेके 0 1 0 1 तक इसको क्लॉक पल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 के केस में हम अगर 4 बिट यूज़ कर रहे हैं तो इसको जो मैक्सिमम क्लॉक लगेगी वो कितनी लगेगी, इसको अगर हम 4 बिट यूज़ कर रहे हैं तो इसको मैक्सिमम क्लॉक 2n-1 लगेगी। तो ये इसका बिगेस्ट ड्रॉबैक है कि इसमें इसको हर एक सैंपल को कलेक्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा इसलिए लगता है कि ये हर बार शुरू से काउंटिंग करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको 2 वैल्यू डिटेक्ट करनी है, 5 और 6, तो 5 और 6 डिटेक्ट करनी है, 5 के बाद आपको डिटेक्ट करना है 6। तो सबसे पहले आप 0 से लेके 5 तक काउंट करेंगे तो 5 डिटेक्ट होगा, फिर जैसे ही 5 डिटेक्ट होगा तो सीधे 6 पे ना जाके आप वापस से 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे और फिर 6 को डिटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि इसका ड्रॉबैक है। अगर हम इस ड्रॉबैक को दूर करना चाहते हैं तो हम क्लॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, हम क्लॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम क्लॉक की फ्रीक्वेंसी डबल कर देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने दिखाया कि पहले जो क्लॉक की फ्रीक्वेंसी थी और नई फ्रीक्वेंसी हम डबल करते, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम हमें 2 सैंपल मिल रहे थे, तो यहाँ पे उसी टाइम पे हमें 3 सैंपल मिल रहे हैं। मतलब हम तीन किसी भी कंटिन्यूस ग्राफ के 3 सैंपल्स को डिटेक्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें क्लॉक फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, जो कि इस डिवाइस को कॉस्टली बना देता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो हम 1 2 3 4 4 सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रैंप टाइप एडीसी है। रैंप टाइप एडीसी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो भी 5 वोल्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये 5 वोल्ट है, इसको डिटेक्ट करने के लिए एक रैंप के फॉर्म में स्लोली स्लोली इंक्रीज होता है, एक रैंप को फॉलो करते हुए चलता है। यहाँ देख सकते हैं हम एक रैंप को फॉलो करते हुए चलता है, इसलिए इसको हम रैंप टाइप एडीसी बोलते हैं। और काउंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अप काउंटर का यूज़ करता है, इसलिए इसको काउंटर टाइप एडीसी भी बोलते हैं। तो ये था पूरा रैंप टाइप एडीसी के बारे में। थैंक यू वेरी मच।